कौन अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है ए मून बी सन सी स्टार्स सो द आंसर इज मून नेक्स्ट एट नाइट वी कैन सी थाउजेंड्स ऑफ डैश इन द स्काई रात में हम थाउजेंड्स ऑफ क्या देख सकते हैं स्काई में ए काइट्स बी एरोप्लेन सी स्टार्स सो द आंसर इज स्टार्स नेक्स्ट द डैश कीप ऑन मूविंग विद द एयर एयर के साथ साथ क्या मूव करता रहता है ए बर्ड्स

मून हमें लाइट और हीट देता है दिस इज फॉल्स नेक्स्ट स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट स्टार्स की अपनी हीट और लाइट होती है सो दिस इज ट्रू नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन वन वट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है सो द आंसर इज सन सन इज नोन एज देंटर ऑफ सोलर सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द मून शाइन मून कैसे शाइन करता है सो द आंसर द मून शाइन्स एट नाइट ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन मून जो है वो रात में शाइन करता है किस वजह से सन की लाइट की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू स्टार्स लुक सो स्मॉल स्टार्स जो है वो बहुत छोटे छोटे क्यों दिखते हैं सो द आंसर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ स्टार्स जो होते हैं वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं ड्यू टू विच दे लुक सो स्मॉल जिसकी वजह से वो बहुत छोटे दिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ नेचुरल सेटेलाइट क्या है अर्थ की सेटेलाइट मीन्स अ नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन ऑर्बिट दैट मूव्स राउंड अ प्लानेट सो दैट इज मून सो चिल्ड्रेन कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रेन